अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजी और पीजी दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाए, पीजी के लिए आपको अलग से कोई एंट्रेंस ना देना हो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका देती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। यूनिवर्सिटी यात्रा के इस एपिसोड में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स यहाँ पर प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जो भी कोर्सेज हैं वो आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, मतलब BA MA BSc MSc एक साथ 5 साल का आपका कोर्स होगा, वही कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चलने वाले सभी कोर्सेज UG लेवल के जो हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, और उनकी क्या CUET की रिक्वायरमेंट्स है, मेरिट कैसे बनेगी, साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और यहाँ पर इनके फी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है, सारी बातचीत आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले, इसका जो कैंपस है वो काफ़ी बड़ा है, 2300 एकड़, लगभग 2300 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। अगर हम बातचीत करें तो ये हैदराबाद में है, 1974 में ये इस्टेब्लिश हुई है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी ये। और एक बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपको बताऊं कि BHU के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर ही इसके प्रोफेसर गुरुबख्श सर जो है वो इसके पहले VC बने थे, इस यूनिवर्सिटी के पहले VC, ठीक है। और इसको जो है वो साउथ का JNU भी बोला जाता है। अब इसकी जो एडमिशन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, एडमिशन काउंसलिंग रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, जब आएंगी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, सब कुछ बताया जाएगा। NIRF रैंकिंग इसकी जो है वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो यहाँ पर 10 है। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में कितनी सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, CUET के लिए यहाँ पर जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मेरिट कैसे यहाँ पर बनेगी, फी स्ट्रक्चर क्या है, सारी बातें के लिए मैं आपको यहाँ पर एक PDF प्रोवाइड करूंगा। इसी से सारी चीज़ें आप जो है वो अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार मैं ब्राइटनेस डाउन कर दूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर दिखे। आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, वो होगा यहाँ पर इनके एक क्वालिफाइंग पेपर से रिलेटेड बातचीत। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये चीज़ तो समझ ही लिया है कि यहाँ पर सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, मतलब एक बार आपका एडमिशन हुआ UG PG MSc BSc MSc MA BA MA दोनों आपका एक साथ कंप्लीट हो रहा होगा। अलग से आपको PG के लिए जो है वो एंट्रेंस नहीं देना है, ना ही आपके लिए उसको कुछ सोचना है, आपका UG PG दोनों कंप्लीट हो रहा होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा उनके लिए, जिनको भी आगे PG करना हो, एक साथ करना चाहें तो बेस्ट है। इंटीग्रेटेड MSc मैथमेटिकल साइंसेज में, ये आपके कोर्स का नाम होगा। अब CUET की रिक्वायरमेंट्स क्या है, CUET की रिक्वायरमेंट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। नंबर ऑफ सीट्स यहां से मत देखिएगा, ये इसका जो नया आया है, ये पुरानी डेटा थी, जो नई डेटा है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के नंबर्स को जोड़ के आपका यहां पर मेरिट जो होगी वो यहां पर तैयार होगी। 5 साल का आपका ये कोर्स होगा, 60% मार्क्स आपके क्लास 12th में चाहिए यहां पर। और यहां पर जो है वो यहां पर कह रहा है कि आपका 12th में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी, अगर आपको मैथमेटिकल साइंसेज या फिजिक्स में जाना है तो क्लास 12th में आपके यहां पर जो है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। वैसे भी मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वही इसको यहां पर चूज भी कर रहे होंगे। तो पहली चीज यहां पर ये होगा, मैथमेटिकल साइंस के लिए आपके मेरिट ऐसे बनेगी। लेकिन अब एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने सब में एक क्वालिफाइंग पेपर दिया है। जैसे यहां पर इन्होंने दिया क्वालिफाइंग पेपर आपका इंग्लिश है, इसमें आपको 35 नंबर स्कोर करना होगा। यहां पर क्वालिफाइंग पेपर में यहां पर इन्होंने बहुत क्लियर लिखा है कि आपको 50 मार्क्स यहां पर आपको क्वालिफाइंग पेपर में जो है वो स्कोर करना है। मतलब आप PCM के साथ इंग्लिश का पेपर जरूर अटेम्प्ट किए हो, ये कंपलसरी सिचुएशन है आपके लिए यहां पर। और उसमें इंग्लिश में आपके 50 नंबर आने जरूरी हैं। 35 नंबर जो है वो इन्होंने फिर 3 कोर्सेज के लिए बोला है कि 35 नंबर, बाकी सभी कोर्सेज के लिए यहां पर 50 नंबर आपको चाहिए। अगर हम इंटीग्रेटेड MSc फिजिक्स की बात करेंगे तो मेरिट आपकी PCM से ही बनेगी, लेकिन आपको यहां पर इंग्लिश में 50 नंबर पाना कंपलसरी होगा, बाकी 5 साल का कोर्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी वही ही होगी। इंटीग्रेटेड MSc केमिकल साइंस के लिए मेरिट आपके केमिस्ट्री डोमेन से बनेगी, लेकिन इंग्लिश और फिजिक्स में 50
50 नंबर पाना आपके लिए यहां पर कंपलसरी है। इसी तरीके से मैंने बोला था कि आपके सभी इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, सिर्फ एक छोड़ के बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री यहां पर आपको एक मिल जाएगा, जिसमें केमिस्ट्री से आपकी मेरिट बनेगी, केमिस्ट्री डोमेन से। बाकी इंग्लिश और फिजिक्स में आपको पासिंग मार्क्स 50 मार्क्स जो है वो सिक्योर करना होगा। ये बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री आपके 4 साल का कोर्स होगा, बाकी सभी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं तो वो यहां पर आपके 5 साल के कोर्सेज रहेंगे। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड एमएससी बायोलॉजी, और यहां पर जो है वो आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ के आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और यहां पर इंग्लिश आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर होगा। इंटीग्रेटेड एमएससी जियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को जोड़ के बनाया जाएगा, क्वालिफाइंग पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये आपके 3 क्वालिफाइंग पेपर्स होंगे, तीनों में आपको 50-50 मार्क्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बातचीत करें यहां पर इंटीग्रेटेड यहां पर ऑप्टोमेट्री का कोर्स होगा, इसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है वो आपके जोड़ के पेपर बना, मतलब आपकी मेरिट बनाई जाएगी, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर आपके लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अच्छा मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में ऑप्शन है यहां पर भी होगा आपका। यहां पर इन्होंने लिखा कि फ्रॉम सेक्शन टू चूज मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, यहां पर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों में आपको 50-50 मार्क्स सिक्योर करना होगा, यहां पर मैथमेटिक्स या बायोलॉजी आपके लिए, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपकी मेरिट बनेगी। तो जितने भी अब आप समझ चुके होंगे अब तक, क्वालिफाइंग पेपर्स जो लिखा है इसका मतलब है कि आपके 50 मार्क्स इसमें होने चाहिए, ठीक है, तभी आप यहां पर एलिजिबल हो पाओगे, ये बात आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके आगे के कोर्सेज होंगे, अगर मैं यहां पर बात करूं जैसे इंटीग्रेटेड एमए हिंदी के कोर्स की बात करूं तो हिंदी से ही आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन आपको यहां पर इंग्लिश में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और ऊपर आपने देखा था कि IMA हिंदी के लिए बताया था कि 50 ने 35 मार्क्स आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको 35 मार्क्स यहां पर होंगे तो आपका यहां पर काम जो है वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वही चीज है, यहां पर इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को यहां पर क्वालिफाइंग पेपर रख दिया है, 35 मार्क्स होने चाहिए जिनको इंटीग्रेटेड एमए हिंदी करना उनके लिए भी यहां पर। तो एक तरीके से आप देखोगे तो हर जगह आपको इसमें इंग्लिश पेपर में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर देखिए एमए लैंग्वेज साइंसेज में इंग्लिश और जनरल टेस्ट से मेरिट आपकी यहां पर बन रही होगी, उर्दू में आपके यहां पर उर्दू जो होगा वो यहां पर उससे मेरिट बनेगी और इंग्लिश आपके लिए क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। यहां पर एमए इकोनॉमिक्स में जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट बनेगी और इंग्लिश में क्वालिफाई करना होगा। एमए हिस्ट्री में जनरल टेस्ट से मेरिट बनेगी, इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना होगा। पॉलिटिकल साइंस में जनरल टेस्ट से मेरिट बनेगी, इंग्लिश आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। ये आपके यहां पर कंडीशन है, तो ऐसे ऐसे आप सभी सब्जेक्ट्स में देख सकते हो। अगर हम यहां हम लोग बात करें सीट्स की, तो इन्होंने सीट्स जो है वो यहां पर फाइनली 2024-25 के लिए रिलीज किया हुआ है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आईएमएससी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड एमएससी, आईएमए मतलब इंटीग्रेटेड एमए, और फिर यहां पे सब्जेक्ट का नाम है। फिर यहां पर कैटेगरी वाइज इन्होंने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, वो आप देख सकते हो। पुराने वाले पीडीएफ का सीट डिस्ट्रीब्यूशन मत देखना, क्योंकि वहां पर जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो कम दिया गया, यहां पर सीट थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो यह फाइनल पीडीएफ है, इसको यहां पर आप देखिएगा। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो कोर्स वाइज इन्होंने यहां पर फी स्ट्रक्चर भी दिया है। मैं आपको एक कोर्स बताता हूं, बाकी आप सब समझ जाओगे। यहां पर जैसे अगर हम बात करें एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिकल साइंस के लिए यहां पर, तो अगर आप देखोगे तो पहले सेमेस्टर की फीस ₹10,135, सेकेंड सेमेस्टर की ₹3,725। इसके बाद आपके यहां पर ये आपके यहां पर जो है वो तीसरे, पांचवें, सातवें और नौवें के लिए ₹6,615, और चौथे, छठे और आठवें, दसवें सेमेस्टर के लिए ₹3,725 आपकी फीस लगेगी। पांचों साल का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, ये आपके पहले सेमेस्टर, ये दूसरे सेमेस्टर की फीस हो गई आपकी। उसके बाद जितने आपके ऑड वाले हैं 3, 5, 7, 9, उनकी फीस ये है। 2, 4, 6, 8 सारे जो आपके इवन वाले हैं, इवन वालों का आपका ये फीस रहेगा, ठीक है। ऑड की ये फीस, इवन की ये फीस रहेगी, ठीक है। जो आगे के सेमेस्टर होंगे, पर सेमेस्टर की फीस है आपकी, ठीक। तो कोई ज्यादा नहीं, यहां पर आपकी फीसेस बड़ी नॉमिनल सी हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ऐसे ही अलग अलग कोर्सेज की आप फीस देख सकते हो, इसी के अराउंड आपको यहां पर फीसेस जो होंगी वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी पीडीएफ आपके लिए रहेगा, आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया आपके फीस स्ट्रक्चर की बातचीत हम लोगों ने यहां पर कर लिया, कोर्सेज की बात कर लिया, नंबर ऑफ सीट, सीयूटी की रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी और फीस स्ट्रक्चर, सारी चीजें हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अगर मैं यहां पर आपसे बातचीत करूं इनके हॉस्टल्स की, तो यहां पर जो है वो
टोटल 23 हॉस्टल्स हैं और लगभग लगभग यहाँ पर जो है वो 4600 बच्चों के एकोमोडेशन की व्यवस्था यहाँ पर रहती है, जिसमें मैं आपको बताऊं तो लगभग लगभग आपके 9 जो हैं वो गर्ल्स हॉस्टल हैं और बाकी के जो बचे आपके 12-13 हॉस्टल्स वो यहां पर आपके जो होंगे वो आपके बॉयज हॉस्टल्स होंगे। उसमें कितनी सीट्स हैं वो आप आराम से यहां पर देख सकते हो। कैटेगरी वाइज यहां पर पूरे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आपके लिए दिया गया है। अगर हम लोग बातचीत करें कि यहां पर हॉस्टल्स और मेस के चार्जेस क्या हैं, तो आप यहां पर देख सकते हो अगर हम लोग जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बातचीत करें तो आप ये मानो एक सेमेस्टर की 3850 रुपए आपकी फीस यहां पर पड़ेगी, ठीक है। अगर एससी एसटी की हम लोग बात करें जिनकी इनकम 2 लाख से ऊपर की है उनके लिए 3150 रुपए की फीस और जिनकी 2 लाख से कम है उनकी 2150 रुपए पर सेमेस्टर फीस आपकी यहां पर रहेगी। अब वो लिख भी दिया है कि मेस का कितना। हाँ, एक चीज यहां पर याद रखिएगा, ये मेस डिपॉजिट है जो कि आपके 2500 रुपए मतलब रिफंडेबल, ये होता है कि जब आपका सेशन खत्म होगा तो रिफंड हो जाएगी। मेस की फीस यहां के स्टूडेंट्स का कहना है कि आप ये मान के चलो पर मंथ आपकी 3000 रुपए की फीस यहां पर मेस फीस आपकी जो है वो लगभग यहां पे पड़ती है। बाकी रूम रेंट पर सेमेस्टर यहां पर आपको दिया ही गया, जो बातें यहां पर बताई गई वो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। ऑन एन एवरेज वही हॉस्टल की फीस आप 3000 के राउंड मानो, 3000 के राउंड मेस की फीस यही आपके यहां पे पढ़ने वाली होगी, लेकिन पूरे सेमेस्टर की फीस आपकी 3000 रुपए है, ठीक है। तो कोई ऐसे फीस में भी ज्यादा आपके लिए नहीं रहेंगी। तो ये रही आपकी सारी इंफॉर्मेशन, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस जैसे ही शुरू होंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी बातें यहां पर आपको बताई जाएंगी, ठीक है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो होता है वो अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी करता है लेकिन उसमें वो मार्क्स मेंशन नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोग कट ऑफ के बारे में यहाँ पर कोई डिस्कशन जो है वो नहीं कर सकते। बिना ऑफिशियल डेटा के कोई डिस्कशन करना ऐसे बेसलेस बातें होंगी वो, ठीक है। तो अगर हाँ, इनमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी वो था इनका जो सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स है, मेरिट किससे बनेगी और इनका क्वालिफाइंग पेपर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा कि आपको क्वालिफाइंग पेपर मतलब वो सब्जेक्ट में अपियर होके कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए लाना जरूरी है। 50 नंबर सभी पेपर्स के लिए है और सिर्फ यहां पर एक जो अगर आप देखोगे हिंदी उर्दू और तेलुगु था शायद जिसके लिए यहां पर जो है वो 35 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। अगर हम लोग एक बार यहां पर देखें तो हाँ 50 था, बाकी सभी के लिए 35 मार्क्स जो है वो हिंदी उर्दू और तेलुगु के लिए है। हिंदी उर्दू और तेलुगु में जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का उसके लिए 35 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, बाकी जो जितने भी कोर्सेज के लिए जो भी क्वालिफाइंग पेपर्स हैं सबके लिए 50 नंबर की यहां पर रिक्वायरमेंट्स आएगी आपकी 50 मार्क्स की, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के एपिसोड में आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।